हाय एवरीवन, दिस इज काव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दम आलू रेसिपी। यह दम आलू रेसिपी देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है, यमी है और बनाने में बेहद आसान। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 12 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इस रेसिपी में ज़्यादा बड़े आलू इस्तेमाल नहीं करना है। आलू को अच्छे से छील कर वॉश कर लिया है मैंने। नेक्स्ट प्रोसेस में हम फॉक से इसमें छेद कर देंगे। जो भी हम ग्रेवी बनाएंगे वो एब्जॉर्ब होगा एंड आलू भी सॉफ्ट होंगे। अब आलू को डीप फ्राई करेंगे। गैस ऑन कर कढ़ाई गर्म कर लिया है मैंने। इसमें हाफ कप सरसों का तेल डाल दें। सरसों के तेल में ये ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने आलू को छेद करने के बाद धोया नहीं है, क्योंकि अगर आलू को धोएंगे तो उसमें पानी चला जाएगा और बहुत ज़्यादा तेल उड़ेगा। तो आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आलू फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लें। और इसी सेम कढ़ाई में हम मसाले बनाएंगे, तो इसमें से थोड़ा ऑयल कम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 10 से 12 काजू, 4 सूखी लाल मिर्च, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, अदरक 3 इंच। तो ये सारी चीज़ें हम तेल में डाल देंगे और इन सबको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। और जैसे ही कलर चेंज हो जाए डाल देंगे 2 टमाटर कटे हुए। अब टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे सबको। जितना ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पकेंगे, दम आलू का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। प्याज टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो चुका है, इसे ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और फिर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हो सके तो पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें। और फिर उसी सेम कढ़ाई में डाल देंगे तेल जो हमने पहले निकाला था। अब हम डाल देंगे जीरा और सारे खड़े मसाले, अच्छे से स्प्लैटर होने दें। अब डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर पहले डाल देने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब डाल देंगे पेस्ट जो हमने पहले से ही तैयार किया था। अच्छे से मिला लीजिए सबको। डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला दें और आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज होने लगा है। अब ऐड कर देंगे 2 चम्मच फ्रेश दही। अब हम इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसालों के किनारे से तेल अलग दिख रहा है। जब हमारा मसाला तेल छोड़ दे तो समझिए मसाला अच्छे से पक चुका है। अब डाल देंगे पानी। ग्राइंडिंग जार में जो मसाला बचा था उसी में मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, उसके अलावा और 2 कप पानी डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेवी गाढ़ी है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टोटल 2.5 कप पानी यूज़ किया है। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लेंगे सबको। अब इसके बाद ग्रेवी में डालना है हमें फ्राई किया हुआ आलू। आलू डाल देने के बाद हम इसे धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। कढ़ाई को ढक दे और 15 मिनट के लिए पकने दे। गैस का फ्लेम लो कर दे। 15 मिनट हो चुके हैं, दम आलू की ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है और ग्रेवी को इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आलू अच्छे से पका है या है नहीं। और ये देखिए जो आलू है वो अच्छे से पक चुका है। अब डाल देंगे इसमें गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और अब बस सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लें। अब इस दम आलू में 1 बड़ा चम्मच घी डालें, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है करी का। अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दीजिए। इसके बिना तो कोई सब्जी अधूरी होती है, तो धनिया पत्ती बहुत ज़रूरी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा डिलीशियस यमी दम आलू बन के रेडी है सर्व करने के लिए। ये दम आलू आप ज़रूर ट्राई करें, जिसका कलर टेक्सचर बहुत ही लाजवाब है और टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट। इस रक्षाबंधन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।